क्लास 11th के सभी विद्यार्थी लो जी आ गया आपका एकदम ओरिजिनल पेपर इतिहास का, ये जो कि आपको 2 बजे परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। फटाफट से याद कर लीजिएगा जितने हो सके आपसे। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दजला फरात नदी। लेखन कला का जो आविष्कार है वो सर्वप्रथम किया किसने किया था? मेसोपोटामियन ने। ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता का उल्लेख कई संदर्भों में मिलता है? जैन अवस्था में। यायावर का क्या अर्थ है? तो घुमक्कड़। कुरिल ताई क्या थी? मंगोलों की सैन्य टुकड़ी। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुजीन। यहां से देखिए आप, मेसोपोटामिया की किलकार लिपि जेम्स प्रिंसेस आ गया है, और दूसरे का आपका जाएगा मेसोपोटामिया मिया ने, ठीक है। तीसरे की बात करें अपन तो यहाँ पर लिखा हुआ है असीरियानी शासक रिडेस ने अपनी राजधानी मिनवे में एक पुराकालीन पुस्तकालय की स्थापना की थी। मेसोपोटामिया मिया की सबसे पुरानी दारा गापा थी। चंगेज खान ने अपने चारों पुत्रों के अधीन नई एक सैन्य टुकड़ी बनाई जिसे क्या कहा? नायोन नाम दिया गया। इसी तरह आप छठा ये ढूंढ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब है आपका यहां से है जोड़ी, ठीक है। ये जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, पहला दूसरा एक वाक्य में उत्तर समझते हैं। किलकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष पहचाना गया? 300 ईसा पूर्व, ठीक है। और षट दशमिक प्रणाली की सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया में हुई थी। मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई क्या है और कहा कि इस इकाई को क्या कहा जाता है? होर्ड मंगुदाई। चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1162 में मंगोलिया में हुआ था। चंगेज खान के पिता युसेजोई किस कबीले के मुखिया थे? कियात कबीले के। मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र के निवासी थे? मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली जाति के। यहां से देखिए आपका कुमार चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है। पहला आपका असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा, और यहां से देखिए जितने मिले फटाफट मैंने आपके लिए ढूंढकर जल्दी जल्दी यहाँ पर वीडियो बना दिया है। चलिए मेसोपोटामिया सभ्यता किन सभ्यताओं से मिलकर बनी हुई है? मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, यहां से मेसोपोटामिया शब्द किस लिए प्रसिद्ध है? किलकार लिपि का विकास किन लोगों के द्वारा किया गया? जुगुरात से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये 11 है, 12, 13, 14, फटाफट जितना आप कवर कर सकते हो ना कवर कर लो, यही प्रश्न पत्र आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 20 के बाद में यहां से देखिएगा आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 और ये 23, टोटल 23 प्रश्न रहेंगे। और मैंने आपको हिस्ट्री का जो पेपर है आज का, ठीक है, वो आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपना राजनीति शास्त्र और जो भूगोल का पेपर है वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है।